हेलो फ्रेंड्स, टेक रूम में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव और आज मैं कंपैरिजन करने वाला हूं मियूनी एसोसी T612 वर्सेस स्नैपड्रैगन 665। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा एंड वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। टॉपिक की बात करते हैं, इसमें आपको सबसे पहले रिव्यू मिलेगा, नेक्स्ट बेंचमार्क इंफॉर्मेशन एंड सीपीयू, जिसमें आर्किटेक्चर फ्रीक्वेंसी एंड फैब्रिकेशन में बताऊंगा, नेक्स्ट ग्राफिक्स, गेमिंग, मेमोरी, कैमरा, डिस्प्ले एंड लास्ट में होगा कनेक्टिविटी। वीडियो को स्टार्ट करता हूं यहां पे सीपीयू एंड गेमिंग परफॉर्मेंस स्कोर के साथ। सीपीयू स्कोर की बात की जाए तो यहां पे यूनी का स्कोर है 26, वहीं स्नैपड्रैगन का भी स्कोर है 26। नेक्स्ट गेमिंग की बात की जाए तो गेमिंग काफी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, यहां पे यूनी का स्कोर है 10 एंड स्नैपड्रैगन का स्कोर है 14। अगले रिव्यू की तरफ आते हैं, पावर कंजप्शन एंड दो बेंचमार्क की बात करेंगे तो बैटरी लाइफ में यहाँ पे यूनी का स्कोर है 59 एंड स्नैपड्रैगन का स्कोर है 64। फैब्रिकेशन पे वैसे डिपेंड करता है तो मैं फैब्रिकेशन आके बताने वाला हूँ। नेक्स्ट अंदोदो की बात की जाए तो अंदोदो में यूनी का स्कोर है 2,08,773 एंड स्नैपड्रैगन का स्कोर है 1,98,858। नेक्स्ट आते हैं गीक बेंच की तरफ, यहाँ पे सिंगल कोर में यूनी का स्कोर है 346 एंड स्नैपड्रैगन का स्कोर है 315। मल्टी कोर की बात की जाए तो यूनी का स्कोर है 1,319 एंड स्नैपड्रैगन का स्कोर है 1,366। एंड 3D मार्क की भी बात की जाए तो यूनी का स्कोर है 412 एंड स्नैपड्रैगन का स्कोर है 219। दोनों ही प्रोसेसर काफ़ी सिमिलर से प्रोसेसर हैं, खाली यहाँ पे 3D मार्क में स्नैपड्रैगन थोड़ा ज़्यादा ही पीछे है। जाते हैं अपने इन्फॉर्मेशन की तरफ, तो यूनी अनाउंस हुआ था जनवरी 2022 में एंड स्नैपड्रैगन अनाउंस हुआ था अप्रैल 2019 में। क्लास की बात करें तो यूनी एक लो एंड क्लास प्रोसेसर है एंड स्नैपड्रैगन एक मिड रेंज क्लास प्रोसेसर है। मॉडल नंबर में यूनी का मॉडल नंबर तो भी नहीं आया, जबकि स्नैपड्रैगन का मॉडल नंबर है SM6125। वैसे आप मुझे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो में बात करें आर्किटेक्चर की तो दोनों प्रोसेसर ऑक्टा कोर प्रोसेसर देखने को मिलते हैं। यूनी में यहाँ पे 2 कोर 1.8 गीगाहर्ट्ज़ क्लॉक कॉर्टेक्स A75 है एंड 6 कोर 1.8 गीगाहर्ट्ज़ क्लॉक कॉर्टेक्स A55 है। स्नैपड्रैगन की वहीं बात की जाए तो यहाँ पे 4 कोर 2 गीगाहर्ट्ज़ क्लॉक क्रायो 260 गोल्ड कॉर्टेक्स A73 है एंड नेक्स्ट 4 कोर 1.8 गीगाहर्ट्ज़ क्लॉक क्रायो 260 सिल्वर कॉर्टेक्स A53 देखने को मिलते हैं। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की बात करें सीपीयू की तो यहाँ पे यूनी क्लॉक है 1800 मेगाहर्ट्ज़ पे एंड स्नैपड्रैगन क्लॉक है 2000 मेगाहर्ट्ज़ पे। फैब्रिकेशन की बात की जाए जो कि परफॉर्मेंस एंड बैटरी को इफेक्ट करता है, तो यहाँ पे यूनी बना है 12 नैनोमीटर पे एंड स्नैपड्रैगन बना है 11 नैनोमीटर पे। नेक्स्ट आते हैं ग्राफिक्स तरफ, यूनी के जो जीपीयू का नाम है वो है मालिक GP51 MP1 का आर्किटेक्चर है वॉलहॉल, वहीं स्नैपड्रैगन के जीपीयू का नाम है Adreno 610 का आर्किटेक्चर Adreno 600 है। यहाँ पे जीपीयू फ्रीक्वेंसी की बात की जाए तो यूनी के जो जीपीयू फ्रीक्वेंसी है वो स्नैपड्रैगन से मुझे लगता है थोड़ी सी कम होगी इस बार, वहीं स्नैपड्रैगन की है 600 मेगाहर्ट्ज़ की। एंड अगर फ्लोटिंग पॉइंट्स की बात की जाए तो फ्लोटिंग पॉइंट्स में यहाँ पे स्नैपड्रैगन का है 273 गीगा प्लस का। आते हैं अपने गेमिंग पे, यहाँ पे गेमिंग में बात करें यूनी आपको देखने को मिलेगा Realme C30 पे, वहीं स्नैपड्रैगन मिलेगा Realme 5 पे। पबजी मोबाइल के साथ स्टार्ट करें तो मैक्सिमम डिफरेंस 30 एंड 40 का देखने को मिलेगा। ग्राफिक्स की बात की जाए तो यूनी में बैलेंस मीडियम का ही सपोर्ट मिलता है या फिर बैलेंस हाई का मैक्सिमम सपोर्ट मिल सकता है, जबकि स्नैपड्रैगन में मिलेगा HD हाई का सपोर्ट। एंड COD मोबाइल की भी बात की जाए तो यहाँ पे मैक्सिमम डिफरेंस 30 एंड 40 का ही देखने को मिलेगा। एंड ग्राफिक्स की बात की जाए तो यूनी सपोर्ट करता है मीडियम के साथ मीडियम गेम, वहीं स्नैपड्रैगन सपोर्ट करता है वेरी हाई के साथ वेरी हाई गेम। बात करें यहाँ पे रैम एंड रैम फ्रीक्वेंसी की तो यूनी की सपोर्ट है LPDDR4X6 रैम फ्रीक्वेंसी अभी तक नहीं आया, जिसकी मुझे लगता है 1866 मेगाहर्ट्ज़ की होगी। एंड स्नैपड्रैगन की बात करें तो ये भी LPDDR4X रैम को सपोर्ट करता है, इसकी रैम फ्रीक्वेंसी 1866 मेगाहर्ट्ज़ की है। स्टोरेज टाइप सपोर्ट की बात की जाए तो यूनी सपोर्ट करता है MC5.1, UFS 2.1, UFS 2.2, स्नैपड्रैगन सपोर्ट करता है MC5.1 एंड UFS 2.1। वीडियो कैप्चर ने वीडियो प्लेबैक की बात की जाए तो EMC सपोर्ट करता है 1K 30 FPS एंड स्नैपड्रैगन सपोर्ट करता है 4K 30 FPS। यहाँ पे कैप्चर में भी सेम है, यूनी 1K 30 FPS एंड स्नैपड्रैगन 4K 30 FPS। डिस्प्ले मैक्सिमम सपोर्ट की बात की जाए तो यूनी के पास है 2416x1080 pixels का डिस्प्ले, वहीं स्नैपड्रैगन के पास है 2520x1080 pixels का मैक्सिमम डिस्प्ले। नेक्स्ट यहाँ पे कनेक्टिविटी की बात की जाए तो 5G में दोनों प्रोसेसर 5G सपोर्ट नहीं करते हैं। अगर बात करें 4G की तो यूनी एसोसी LTE Cat 7 के साथ है, वहीं स्नैपड्रैगन के पास है LTE Cat 12। ब्लूटूथ में दोनों प्रोसेसर सेम है ब्लूटूथ 5.0 के साथ। डाउनलोड स्पीड में LTE Cat 7 होने की वजह से यूनी थोड़ा सा पीछे देखने को मिलेगा, जो कि सपोर्ट करता है 300 Mbps की मैक्सिमम डाउनलोड स्पीड, वहीं स्नैपड्रैगन के पास है 600 Mbps। लेकिन यहाँ पे अपलोड स्पीड में दोनों प्रोसेसर सेम होंगे 150 Mbps के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।